प्रदेश में अंकिता मर्डर केस अभी थमा भी नहीं है कि इसी तरह की एक और घटना उत्तरकाशी जिले से सामने आई है। अब 19 साल के केदार भंडारी के संदिग्ध हालातों में लापता होने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस कस्टडी से युवक गायब हुआ है। युवक कोटद्वार में अग्निवीर की भर्ती में शामिल होने पहुंचा था। वहीं केदार भंडारी उत्तरकाशी जिला के डुंडा ब्लॉक के चोड़ियात गांव का निवासी था। बता दें कि लापता युवक 21 अगस्त को अग्निवीर की परीक्षा देकर ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में अन्य युवकों के साथ एक होटल में ठहरा था। इसी बीच केदार के पिता को सूचना मिली थी कि उनका बेटा मुनि की रेती थाने में चोरी के आरोप में बंद है। वहीं 22 अगस्त को जब केदार के बड़े भाई गंभीर सिंह वहां पहुंचे तो पता चला कि युवक थाने में नहीं है। बाद में सूचना मिली कि केदार को लक्ष्मण झूला पुलिस ले गई है और वहीं से केदार गायब हुआ है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं लग पाया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मेरे लड़के उत्तरकाशी में रहता हूँ, उनका कमरा, उसने फोन किया, तेरा भाई पुलिस वाले ने ले गए उठा के तुम, वो तो उसने मेरे को संपर्क किया मेरे बच्चे ने कि ऐसे ऐसे, मैंने भाई तू चले जा गाड़ी उत्तरकाशी, ऐसे कोई गाड़ी का कोई संपर्क नहीं अभी जाने का, पुलिस वालों से कहीं नहीं जाता हमारा बच्चा, तू चले जा इससे संपर्क किया हो। और तब शाम को उन्होंने जब बोला, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे कश्ती से भागा, संतोष कुमार ने डायरेक्ट ये बताया कि आपका बच्चा लापरवाही से नदी में कूद गया, हमारे गोता फोन लगा रखे, कोई पता नहीं चला। एक बच्चा अग्निवीर बनने के लिए निकला, उसको पुलिस ने चोर बता दिया और फिर कहा कि उसने आत्महत्या कर ली। ये किसी के गले से नहीं उतरेगी बात। ये बच्चा पहली बार जिंदगी में पहली बार अकेले अपने घर से बाहर निकला और अग्निवीर की परीक्षा देकर वापस रास्ते में था। होटल के उसके जो फोन है उसके स्क्रीनशॉट्स अगर आपने देखे होंगे जो हमने डाले हैं फेसबुक वगैरह पे, उसमें साफ है कि वो लोकेशन मांग रहा है किसी की। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि जब वो होटल आता है और वो जो चार लोग उसके साथ आते हैं, उसके चार दोस्त या जो भी है वो लोग, वो वहां से गायब हो जाते हैं। उन्होंने गाड़ी बुला रखी होती है, वो वहां से चले जाते हैं।